सभी भक्तजनों को जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तजनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपको विभिन्न विभिन्न आध्यात्मिक प्रसंगों पर नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आज हम लेके आए हैं पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है, हम जानेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। राजा मदांता ने धर्म के ज्ञाता और गूढ़ रहस्यों को बताने वाले महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कोई सहज तथा सरल उपाय बताइए। इस पर ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन हुआ करता था, जिसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां सदैव वसंत का रमणीय तथा मनोहारी मौसम बना रहता था। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं वनस्पतियों से वह जंगल आच्छादित रहता था। उस वन में देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि का आवागमन सदैव बना रहता था। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे शिवजी के अटूट भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनकी निकटता का लाभ लेने की चेष्टा से उनके निकट कुछ दूरी पर बैठकर वीणा द्वारा मधुर स्वर निकालने लगी। उसी क्षण कामदेव भी महर्षि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने एक सुंदर अप्सरा के भ्रु का धनुष बनाया, कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। उस समय महर्षि युवावस्था में थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने मधुर स्वर में गायन प्रारंभ किया तो भक्त मेधावी भी अप्सरा पर मोहित हो गए। लाभ उठाकर अप्सरा मुनि को आलिंगन करने लगी। मेधावी भी शिव रहस्य को भुलाकर काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। काफ़ी समय बाद जब अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषिवर ने अनुनय विनय से अप्सरा को रोक लिया। कुछ समय बाद अप्सरा ने पुनः आज्ञा मानी। उस समय का बोध हुआ, 57 वर्ष का समय बीत चुका था साथ रहते। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध और ग्लानी हुई। उनके तप का नाश जो हो गया था। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, तुमने मेरे तप को नष्ट किया है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। अप्सरा ने ऋषि से आग्रह किया, हे ऋषिवर, मुझ पर प्रसन्न होइए और इस श्राप का कुछ उपाय बताइए, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। विद्वानों ने कहा है कि साधु संतों की संगत तो अच्छा फल देने वाली होती है और मैंने तो आपके साथ कई वर्ष व्यतीत किए हैं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न होइए। पाप मोचनी एकादशी का तुम व्रत करो, तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। इसके पश्चात मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। पिता ने पुत्र को देखकर कहा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि सारा ताप तप नष्ट हो गया, तेज तुम्हारा मलिन हो गया। मेधावी का सिर लज्जा से झुक गया और पिता को सारी बात बताई और उपाय की याचना की।
तब पिता ने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करने की सलाह दी और कहा इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात मुनि मेधावी ने पिता की आज्ञानुसार व्रत रखकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की। अप्सरा भी उपवास रखकर अपनी पिशाचिनी देह से मुक्त होकर स्वर्ग चली गई। अतः हे राजन, इस एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्यागमन करने वाले भयंकर पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महर्षि ने पाप मोचनी एकादशी का महत्व राजन को बतलाया। जय जय श्री राधे कृष्ण।